नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद। नोएडा में 15 अक्टूबर से बंद हो जाएगी गंगा जल की सप्लाई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, एक महीने तक झेलनी पड़ सकती है पानी की किल्लत। 15 अक्टूबर की रात से गंगा जल की आपूर्ति होगी बंद। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की गंगा जल की सप्लाई बंद होगी। हर साल दशहरा से पहले सप्लाई की जाती है बंद। गंगा जल सप्लाई बंद के दौरान होती है गंग नहर की सफाई, और इसी वजह से बंद हो जाएगी सप्लाई। सफाई के बाद दशहरा पर खोल दी जाती है गंग नहर। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई आज हुई। दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। हाई कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है। हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया था। परिजनों ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में हमें शामिल तक नहीं किया गया। देखिए, इससे पहले इसी मुद्दे पे सरकार घिरती रही है, जो हाथरस का प्रशासन है वो घिरता रहा है। परिजनों ने आगे जांच में की भी मांग की, और उन्होंने साफ तौर पे जो पुलिस है उस पे नाराजगी जताई है और कहा है कि उस पे उनको विश्वास नहीं है। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की आज बात सुनी। सभी पक्षों के बयान आज दर्ज किए गए। करीब 2 घंटे तक हाथरस मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार ने कोर्ट में कहा कि पुलिस प्रशासन पर उनको विश्वास नहीं है। डीएम पर दबाव और परेशान करने का आरोप भी पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया। पीड़ित परिवार ने दो टूक कहा कि पुलिस ने हमें परेशान किया, हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में साफ तौर पे कहा, अंतिम संस्कार को लेकर भी पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई। परिवार ने साफ तौर पे कहा कि उसको नहीं पता था कि उसकी बहन का, उसकी बेटी का रात के वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोर्ट ने काफी हार्ड लैंग्वेज में उनसे बात की कि आखिर आप अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको लग रहा था फेल हो रहा था तो आप ज़्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मुझे मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे, और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव्स थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे के बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, तो ये बहुत सारे सवाल। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो सीमा जी, आज आप कोर्ट में जब सुनवाई हुई आप मौजूद रहीं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ परिवार की तरफ से कहा गया, आप डिटेल में बताएंगी हमें? बिल्कुल, परिवार के की तरफ से जो भी, एक तो मैटर स्वतः संज्ञान में लिया था कोर्ट ने, और कोर्ट ने उस नोटिस में ही ये अपना कोर्ट का इंटेंशन प्रदर्शित हो रहा था कि बहुत ही हर्ट हुए हैं वो लोग कि हम जिस तरीके से मीडिया में देख रहे हैं कि एक बेटी जिसपे इस तरीके से मर्डर किया गया, जिसके साथ क्राइम हुआ, उसको अंतिम संस्कार का मौका उसके परिवार से छीन लिया गया और आप लोगों ने रात में उसको जला दिया। तो बेसिक फंडामेंटल राइट का आपने वायोलेशन किया। तो जो राज्य है, राज्य की तरफ से स्टेटमेंट आया, उनका आर्गुमेंट था कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, तो कोर्ट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन रखते, अगर आपको रिक्वायरमेंट थी ज्यादा फोर्स बुला लेते, लेकिन इस तरीके से आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो ये सारी सुनवाई हुई है और कोर्ट ने डीएम को फटकार भी लगाई, डीएम आंसर नहीं दे पा रहे थे वहां पर। देखिए सीमा जी, जो मुझे खबर मिल रही है वो ये भी है कि कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहा कि अगर अमीर की बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते? बिल्कुल, कोर्ट ने बोला, डीआईजी साहब को ये बात बोली कि आप लोगों की हिमाकत नहीं होती कि अगर किसी अमीर परिवार की बेटी होती तो इस तरह जला सकते, क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सबके लिए है। प्रीएम्बल हमारे सोशलिज्म की बात करती है,
जी। और उसमें सोशलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं अमीर गरीब देख करके दिया जाएगा, हमारा संविधान तो विभेद नहीं करता लेकिन सिस्टम क्यों भेद करता है, और ये मशीनरी को ठीक होना होगा। तो कोर्ट ने काफी, और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ मैं कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया, क्योंकि कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर ह्यूमन जो लोगों के फंडामेंटल राइट हैं उनका अगर वायोलेशन होता है तो वो उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप देखिए कमिंग जो सुनवाई है वो 2nd of November की है और उसमें कोर्ट जो राज्य अपना पक्ष रखेगा, और सारे उन्होंने कहा है कि हमारे पास एविडेंसेज हैं, सारे एविडेंसेज को देख करके देखेंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था ये सारे। बिल्कुल सीमा कुशवाहा जी, देखिए आप पीड़ित परिवार का पक्ष रख रही हैं, आप उनकी वकील हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है जी। पीड़ित परिवार की वकील हैं आप, आपकी अगर मैं बात पूछूं आपसे तो पीड़ित परिवार जो है वो सीबीआई जांच पे सवाल उठा रहा है, सीबीआई जांच नहीं चाहता है पीड़ित परिवार, क्या कहेंगी आप? सीमा जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सीमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए तो अभी संपर्क हमसे उनका हमारा कट गया है। देखिए सीमा जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने साफ तौर पे आज बताया कि हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए जो परिवार है वो सीबीआई जांच पे भी सवाल उठा रहा है, चलिए हाथरस केस में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, सरकार की तरफ से कोर्ट में एएजी विनोद शाही ने पक्ष रखा अपना, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे सुनवाई के बाद सुनिए। हमने एफिडेविट फाइल किया और पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनसे न्यायालय ने उनका पक्ष जाना, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ACS होम ADG लॉ एंड ऑर्डर उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है, DM हाथरस से पूछताछ किया है, 2 नवंबर की डेट फिक्स की है आगे की और 2 नवंबर को ADG लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल सेक्रेटरी होम को आने के लिए कोर्ट में कहा है, बाकी किसी का आने की आवश्यकता नहीं है, जो डिटेल्ड ऑर्डर कोई होगा तो आ जाएगा। हमने अब मथुरा की बात करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई पूरी हुई, तकरीबन 2 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई चली। कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से ईदगाह हटाने की मांग की गई है, अब 16 अक्टूबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। जिला जज साधना रानी ने पूरी जो अपक्ष है वादी का वो सुना, उनकी दलीलें सुनी, अब 16 अक्टूबर को फैसला होगा कि याचिका खारिज होगी या स्वीकार होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन से ये जो पूरी याचिका है पहले खारिज हो चुकी है और अब एक बार फिर से इसको केस को दोबारा से डाला गया, 16 अक्टूबर को याचिका पर फैसला होगा, याचिका खारिज होगी या फिर उसको स्वीकार किया जाएगा, क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इस एक्ट एक 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट पास किया गया था उसके बाद कि आपको बता दें एक एक्ट पास किया गया 1991 जिसके बाद ही कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो उसी जगह पे रहेगा। पिछले 9 नवंबर को अयोध्या का फैसला सुनाते हुए ऐसी की 5 जजों की बेंच ने ऐसे मामलों में काशी मथुरा समेत देश के कई जो मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि इस संबंध में जो वकील है विष्णु शंकर जैन उनके माध्यम से हिंदू समूह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानून वैधता को चुनौती दे रखी है। तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो अगर जो पूरे कृष्ण का काम है अगर ये अदालत से नहीं होगा तो क्या इसका रास्ता संसद से निकलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए जिस तरीके से 2022 से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद फिर से सुर्खियों में है, फिर से अदालतों की चौखट पे जा रहा है, उसके बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या 2014 से पहले बीजेपी जिस राम मंदिर को बनाने का दावा करती थी, वादा करती थी, क्या 2022 से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी जुड़ जाएगा, बहुत बड़ा सवाल। पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी तो साफ तौर पे कहा जाए तो श्री कृष्ण का जो पूरा विवाद है 2022 से पहले इसको पूरी जोर है कि इसके सहारे कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जाएगी,
देखिए यह देश एक नए विवाद को झेलने की स्थिति में नहीं है, जो जहां तक मुझे लगता है जी। और अयोध्या का मामला समझ में आता है और उसकी परिणति हुई और एक मुकाम पर पहुंचा, लेकिन अब काशी और मथुरा इसको लेकर अगर इस देश में कोई बड़ा विवाद या आंदोलन छेड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एक अच्छा संकेत है। लेकिन इस देश में जहां पर इतने विरोधाभासी लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबकी अपनी भावनाएं हैं, और इस देश का जो इतिहास है वो इतिहास अपने आप में इतना रक्त रंजित है कि किसी भी चीज को भुला पाना और एकदम से उसको हटा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद क्या रूप लेगा और इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से उत्साहित लोगों ने, हिंदू जनमानस ने, जो कलंक है देश पर मथुरा का और काशी का, उसको भी थानी है उसी मुकाम तक पहुंचाने की जिस मुकाम पर अयोध्या विवाद पहुंचा, बाबरी मस्जिद विवाद पहुंचा। जी बिल्कुल। देखिए अगर बात की जाए तो जो 1991 का जो एक्ट है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक इस जो तमाम ऐसे मामले, संजय जी ले लीजिए, तो उसमें कोर्ट भी दखल नहीं देता। इससे पहले भी जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। इस बार भी उम्मीद है, जो 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 कानून है, कानून के अनुसार मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा और शायद वो खारिज हो जाए, लेकिन कोर्ट के मूड को कुछ नहीं कह सकते। और भारतीय जनमानस, खासकर जो हिंदू जनमानस, उसके अंदर एक उद्वेलता है और एक आक्रोश भी है कि एक मतलब जो जो पवित्र स्थल हिंदू जनमानस का मथुरा। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। याचिकाकर्ता जो रंजना अग्निहोत्री हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आज भी आप लोगों ने जो दोबारा से आप अदालत गए, आज भी करीब 2 घंटे की सुनवाई हुई और अब जो मामले की जो सुनवाई है ये आगे के लिए टल गई है। क्या उम्मीद आप लगा के बैठे हैं मैडम? 30 सितंबर को अपील आई थी और अपील पर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ने लोअर कोर्ट के रिपोर्ट को और अगली सुनवाई की नियत की है। उन्होंने कई प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर कानून के आधार पर उन्हें दिया गया। उन्होंने पूछा कि जो डिवोटी का अधिकार है वो राम जन्मभूमि। बिल्कुल रंजा जी, आपकी आवाज हमारे पास सही तरीके से नहीं आ पा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और अब 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि याचिका को स्वीकार किया जाएगा या खारिज किया जाएगा। संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर कहा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद एक बार फिर से गहराता जा रहा है। विकास नहीं तो वोट नहीं, जी हां, टूंडला विधानसभा उपचुनाव 2020 का बहिष्कार किया गया है। प्रतापपुर के ग्रामीणों की दो टूक, विकास नहीं तो वोट नहीं। प्रतापपुर में ग्रामीणों ने किया उपचुनाव का बहिष्कार, पंचायत कर ग्रामीणों ने किया वोट नहीं डालने का फैसला। ग्रामीणों की दो टूक, किसी भी प्रत्याशी को गांव में नहीं करने देंगे प्रवेश। ग्रामीणों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक गांव में समस्याओं का समाधान नहीं होगा मतदान नहीं होगा। प्रतापपुर के ग्रामीणों ने समस्याओं के पर्चे भी छपवा दिए हैं और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। करीब 2 दशक से रजवा सूखे पड़े हैं, पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं। प्रतापपुर में नहीं पहुंची विकास की किरण, जल निकासी की भी यहां कोई भी साधन नहीं है। बिजली पानी की समस्या भी यहां के जो प्रतापपुर के ग्रामीण हैं हर दिन उनसे 2-4 होते हैं। टूंडला तहसील से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बसा है प्रतापपुर गांव। तो प्रतापपुर गांव में करीब 3,000 लोग रहते हैं। आपको बता दें 3 नवंबर को होगा टूंडला उपचुनाव के लिए मतदान और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ग्रामीणों के हाथ में आप पर्चे भी देख सकते हैं। ये इन पर्चों में ग्रामीणों की समस्याएं लिखी हैं और इन्हीं समस्याओं को दिखाकर जो ग्रामीण हैं ये पूछ रहे हैं अपने नेता से
कि विकास कहां है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विकास नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने साफ तौर पे कह दिया है। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए चाहे नल हो चाहे कुएं हो सूखे पड़े हैं, इसीलिए जो ग्रामीण हैं उनको पर्चे छपवाने पड़े कि विकास नहीं हो रहा है मेरे गांव का। इसी वजह से वहां के लोगों को पर्चे छपवाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साफ तौर पे गांव वालों ने कह दिया है विकास नहीं तो वोट नहीं। समस्या पानी की समस्या सबसे ज्यादा, जब जिंदे नहीं रहेंगे तो वोट कौन देंगे हम, जब प्यासे ही मच जाएंगे तो कहां से वोट दे देंगे, वोट देने को तो सब आ जाते हैं, जा कोई सुन रहे हो क्या, जो प्यासे बैठे तो जो आप जीवित कैसे रहेंगे। जो आप लोगों ने आज यहाँ पे इकट्ठे होके काय के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपको हम जाएंगे बहिष्कार के वजह से इकट्ठे हुए हैं, पानी के लिए हमारी पानी की जो है हमारी समस्या पूरी होनी चाहिए। हमारे गांव में पानी की विकराल समस्या है, बातें हम दिन रात जूझ रहे हैं, एक दूसरो आदमी बहुत परेशान है, रोज पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस लिए हुए हैं? यही समस्या लेके हम गए कि अगर आगामी चुनाव है रोगा जो विधानसभा को, वहाँ में हमें वोट किसी को देना नहीं है। अब बात होगी कोरोना की। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,234 नए केस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,334 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। देखिए जो मरीज सामने आए हैं वो कम है, डिस्चार्ज होने वाली संख्या ज़्यादा है, ये राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 44 मरीजों की मौत भी हुई है। अगर एक्टिव केसेस की बात करेंगे तो 40,000 से कम उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब तक 6,438 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं पिछले 24 घंटे में किस शहर में कितने नए मरीज आए हैं। लखनऊ की बात की जाए तो 307 जो मरीज हैं पिछले 24 घंटे में मिले हैं। कानपुर नगर में 82 मरीज हैं, वहीं प्रयागराज में 148 मरीज हैं, गोरखपुर में 94 पिछले 24 घंटे में मिले हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो स्थिति पहले से काफी कंट्रोल में है, 101 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। गौतम बुद्ध नगर में 121 मरीज हैं, तो वहीं वाराणसी में 60 से एक कम मरीज है, मेरठ में 116। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भले ही मरीजों की संख्या कम हो रही हो लेकिन सावधानी हर किसी को बरतनी होगी क्योंकि तभी कोरोना हारेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आगे आप देखिए देवभूमि लाइव। नमस्कार।